अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वकास महमूद। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है। आप कम्प्लेक्स नंबर के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कॉन्जुगेट के बारे में पहले पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म में लिखा जाता है, एक रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी पार्ट। जेड से हमने इस कॉन्जुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसका अगर कॉन्जुगेट लेना चाहे, कॉन्जुगेट के लिए जेड बार जेड कॉन्जुगेट सिंबल यूज़ की जाती है। कॉन्जुगेट में आयोटा जो है उसका साइन हमने चेंज करना है तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। यानी कि ये दो नंबर्स आपस में कॉन्जुगेट हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। अब एक एग्जांपल से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेट जेड इज इक्वल टू ए थ्री माइनस टू आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट लेना है, क्या करेंगे, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आयोटा, मतलब आयोटा का हमने साइन चेंज किया तो वो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल थी कॉन्जुगेट निकालने के लिए, कोई और लेते हैं हम। यहाँ पे हमने जेड लिया थ्री माइनस फोर आयोटा, तो इसी तरह इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो थ्री प्लस फोर आयोटा जेड कॉन्जुगेट। अब यहाँ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस फोर, तो इसका साइन चेंज होगा आयोटा प्लस फोर। मतलब हमने सेंट्रल जो है सिंबल वो चेंज नहीं करनी, हमने आयोटा की सिंबल चेंज करनी, उससे कॉन्जुगेट बनेगा। अब यहाँ कॉन्जुगेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि दो कॉन्जुगेट नंबर, टू कॉन्जुगेट नंबर्स, अगर उनका सम लिया जाए, तो वो क्या होंगे, वो सम उसका रियल नंबर होगा। उसका सम क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेट्स सपोज, यानी कि हम प्रूव करने जा रहे हैं सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आ रियल नंबर, ये इसका हम प्रूफ देने जा रहे हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा या आयोटा बी। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, सो कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए माइनस बी आयोटा। हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का सम लिया जाए तो वो क्या होगा, वो हमारे पास एक रियल नंबर बनेगा। हम चेक करते हैं, हम जेड और जेड कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, जेड की वैल्यू ए प्लस बी आयोटा, उसके बाद हमारे पास जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू ए माइनस बी आयोटा। अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, ए एंड ए टू रियल नंबर्स, ए प्लस ए रियल जो थे, रियल पार्ट हमने उनको ऐड किया। अब इमेजिनरी पार्ट जो हैं हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट बी माइनस बी आयोटा। अब हमारे पास रियल पार्ट को ऐड किया ए प्लस ए, इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया बी माइनस बी। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया टू ए, और ये क्या हुआ, ये हमारे पास बी माइनस बी जीरो, मतलब आयोटा वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया, हमारे पास जीरो आया। तो टू ए ओनली आर रियल नंबर, रियल पार्ट बचा, दैट इज़ रियल नंबर, दैट इज रियल नंबर। सो सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पर हम दूसरी एक बात प्रोडक्ट के बारे में करते हैं कि दो कॉन्जुगेट नंबर हो, अगर उनका हम प्रोडक्ट लें तो क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। देखे प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ देखिए हमारे पास लेट वही लेट जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जेड कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बनेगा, जेड कॉन्जुगेट इज ए माइनस आयोटा बी। अब यहाँ हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लें z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ए को पहले इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्केयर प्लस, ए को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी आयोटा, फिर आयोटा बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो प्लस ए बी आयोटा, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर। अब यहाँ देखिए ये जो है सेंटर वाले दो, ये दो टर्म्स देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमारे पास क्या बचा ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर। हमें जब भी पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद उसको ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना होता है, उसके लिए हमें उसकी जितनी भी पावर्स हैं जो मैक्सिमम पावर्स हैं उनको हमने रिजॉल्व करना होता है। यहाँ पे स्केयर है इसको रिजॉल्व करना है, जो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन ए स्केयर प्लस बी स्केयर दैट इज अ रियल नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर, दैट इज अ रियल नंबर।